अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार शाजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने शाजापुर जिले के सूरजपुर में दलित परिवार के जमीन विवाद को लेकर ज्ञापन सौंपा है एवं बताया है कि शाजापुर जिले में लगातार दलित उत्पीड़न चरम सीमा पर है। आपको बता दें, सूरजपुर में दलित परिवार को सरकारी पट्टा मिला था, जिस पर गांव के सरपंच के द्वारा जातिगत रंजिश रखते हुए जमीन पर जबरदस्ती कब्जा एवं दलित परिवार के साथ में लगातार अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौज भी की जा रही है। उसी को लेकर उन्होंने शाजापुर पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर दिनेश जैन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि पीड़ित परिवार की जमीन तत्काल उन्हें दिलवाई जाए, साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि सूरजपुर निवासी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले समय में अखिल भारतीय भलाई महासंघ के द्वारा पूरे शाजापुर में चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शाजापुर जिला प्रशासन की रहेगी। लेकर आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम हमारी जमीन में साहब हम गए थे तो नकुल पटेल सरपंच, उनने हमारे मारपीट करी, गाली गुप्ता करी, जाति को नाम लियो और हमारे धक्का मुक्की करी सर। और बिंद्रावन बोले कि मेरा दो लड़का जेल में है तो एक हाथ में मुंडी ले जाऊंगा और एक हाथ में पैसा ले जाऊंगा, वो कोर्ट में काम करता है। तो उन्होंने किया कि पूरी सरकार हमारा हाथ में है, लेकिन हम जो करेंगे वो हो जाएगा, तुम्हें मार देंगे लेकिन तुम्हारे गांव में नहीं रेवा देंगे। कौन से गांव का मामला है ये? ये पालना खेड़ी का है, सूरजपुर का। इसके पूर्व में आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? हमने मक्सी थाना पे करी और इसके बाद साजापुर हरिजन कल्याण में करी हमने, और अभी साफ करने आया है। हम हमारी समझ ने बोलियो के धड़का उखेड़ दिया हमारी जमीन पे से सर, हमारी जमीन में सोयाबीन उगा था वो कमाई हो नकुल पटेल लई के धड़किया। जमीन के कागज है आपके पास? हाँ है, हमारे कागज है। किस नाम से जमीन? वो कागज हमारा पूर्वज उनका नाम से है। 2 महीने हुए उसे जब से सरपंच बना, वो तब से इन्हें परेशान कर रहा, जमीन से बेदखल करने की धमकी दे रहा। उसका कहना यह है कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए इसलिए तुम्हें गांव में रहने का कोई हक नहीं है। उसके द्वारा आए दिन मारपीट की जाती है, आए दिन बहन बेटियों के साथ अश्लीलता की जाती है, आए दिन जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। इन्हें गांव में नहीं घुसने दिया जाता, खेत पे नहीं जाने दिया जाता, और तो और थाने पर ये लोग जाते हैं तो झूठी कंप्लेन इनके खिलाफ करके इनको बंद करा दिया जाता है। ऐसी व्यथा और ऐसी पीड़ा सुनकर ये जो है रो रो के इनका बुरा हाल था। इस बात को लेकर आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में सभी पदाधिकारी यहाँ पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय डाबर साहब से मिलने आए थे, और डाबर साहब को हमने इनकी सुरक्षा और रक्षा की जो है मदद मांगी है, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि इनकी जमीन है, क्योंकि शासन के द्वारा इन्होंने जो है परिवाद भी दायर कर रखा है और कोर्ट में केस चलते हुए ये उसमें विजय भी हुए, इनके पक्ष में फैसला आया, तो कोर्ट से बड़ा तो सरपंच नहीं हो गया। सरपंच द्वारा इनकी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने हथियाने की कोशिश की जा रही है। ये जो है वहाँ पर खुद के पौधे लगाकर इनकी फसलें नष्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है और ये अत्याचारी अन्यायी, ऐसे जातिवादी सरपंच को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए।